अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल फार्मेसी के टॉपिक कम्युनिटी फार्मेसी को पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं अ कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ फार्मेसी डेट डील डायरेक्टली विद द पीपल इन लोकल एरिया जो कि आम लोगों से लोकल एरिया के अंदर मीट करती है इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग काउंसलिंग चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रेसक्रिप्शन ड्रग टू द पेशेंट विद केयर एक्यूरेसी एंड लेगी कंपाउंडिंग करती है यानी कि काउंसलिंग करती है मरीज़ों की प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में दिया होता है उनको समझाती है कि भई आपने इसी इस तरह से मेडिसन लेनी है और इसके साथ जो एहतियाती तदबीर है वो भी बताती है इट इज़ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन्वॉल्व आ रजिस्टर्ड फार्मासिट इसके अंदर कम्यूनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मासट का होना लाजमी है विद एजुकेशन स्किल एंड कंपिटेंस टू डिलीवर द प्रोफेशनल सर्विस टू द कम्युनिटी कि वो प्रोफेशनली जो है कम्युनिटी लेवल पे वो अपनी सर्विसेज दे सके कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैव ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग मेंटेनिंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी आर जनरली डिडेड इन टू कैटेगरीज दोज़ हु प्रैक्टिस इन इंडिपेंडेंट फार्मासी जैसे कोई फार्मासस्ट है वो अपनी लैदर से फार्मेसी बना लेता है और कुछ वो होते हैं जो उनकी चेंज चल रही होती है पूरी यानी कि उस ब्रांड्स है जैसे कि डिवागो है उसके आप देखें कि बहुत सारी ब्रांचिज हैं पंजाब के अंदर तो ये उनकी चेन स्टोर फार्मेसी हो गई अब इसका स्कोप क्या है जी अल द कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर द हेल्थ प्रोफेशनल मोस्ट एक्सेसिबल टू द पब्लिक यानी कि पब्लिक जिनको सबसे ज़्यादा एक्सेस कर सकती है मिल सकती है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं लोग हॉस्पिटल इतना नहीं जाते जितना कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं दे सप्लाई मेडिसन अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन और आल्सो कवर काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग यह मरीज़ों को मेडिसन तो देते हैं लेकिन साथ में उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आपने ये दवाई किस तरह से खानी है और ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं अब इसकी मेन एक्टिविटीज़ जो हैं इसके रोल हैं वो प्रोसेसिंग और प्रेस्क्रिप्शन है प्रेस्क्रिप्शन को देखेगा कि क्या चीज़ है केयर ऑफ़ पेशेंट एन क्लिनिकल फार्मेसी वो फार्मेसी जिसके अंदर क्लिनिकली प्रैक्टिस की जाती है वो क्लिनिकल फार्मेसी होती है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, इंफॉर्मिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पब्लिक एंड हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ टाक्स एंड सेमिनार्स भी होते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज़ के अंदर इसके बाद है पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी मेन uh, वजह इसको जो इधर देने की थी कम्युनिटी फार्मेसी के टॉपिक को वो पब्लिक हेल्थ थी यानी कि पब्लिक जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी फार्मेसी में जाती है इसलिए कम्युनिटी फार्मेसी में हम चूँकि एक तरह से फार्मेसी टेक्नीशियन है और जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका ये रोल है कि वो पब्लिक हेल्थ में अपना रोल प्ले करें तो पब्लिक हेल्थ क्या होती है पब्लिक हेल्थ इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ हाउ बेस्ट टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ हेल्थ गेंस ऑफ पॉपुलेशन रेदर दैन इंडिविजुअल कि पब्लिक हेल्थ के अंदर पब्लिक की बात होगी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड हम जो है काम करेंगे फार्मासिस्ट कैन अप्लाई देयर फार्मास्यूटिकल स्किल नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू प्रमोट दिस ऑब्जेक्टिव विद द एम ऑफ डिफाइनिंग एड्रेसिंग एंड मोनिटरिंग द रियल हेल्थ नीड्स ऑफ़ द पॉपुलेशन कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो काफ़ी अर्से से काम कर रहा होता है जो उनके पास कस्टमर्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं उससे तो उसको पता होता है कि क्या असल में जो है हेल्थ नीड है रियल हेल्थ नीड है वो क्या चीज़ है पॉपुलेशन की किस चीज़ को ठीक किया जाए अब इसके बाद है एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स कंट्रोल एपिडेमियोलॉजी क्या चीज़ है स्टडी ऑफ द नेचर काज कंट्रोल एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डिजीज़ डिसबिलिटी एंड डेथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन अब डिजीज़ की नेचर उसकी काज़ वजह कंट्रोल किस तरह किया जाए उसको एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी तेज़ी से फैल सकती है और ह्यूमंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कि क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी लग सकती है डिसेबिलिटी इस डिज़ीज़ से कोई इंसान के अंदर डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी तो नहीं आ सकती ऑन डेथ क्या ये डेथ तो नहीं काज कर सकती ये सारी चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन के अंदर हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अब इसका पर्पस क्या एपिडेमियोलॉजी का टू इन्वेस्टिगेट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी आइडेंटिफाई काज टू आइडेंटिफाई काज काजिज़ एंड रिस्क फैक्टर यानी कि कौन सा फैक्टर जो है वो हार्ट के एग्ज़ाम्पल दी हुई है कौन सा फैक्टर जो है वो हार्ट डिज़ीज़ को इनक्रीज़ कर देता है और आटोमोबाइल एक्सीडेंट यानी कि जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं इन चीज़ों को स्टडी करना कि क्या चीज़ जो है उस बीमारी की वजह को बढ़ा देती है डिस्क्राइबिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ़ डिजीज़ उसकी हिस्ट्री क्या है डिज़ीज़ की हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ इन पॉपुलेशन और डिस्क्राइबिंग द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ़ डिजीज़ हु गेट्स द डिजीज़ हु डाइज फ्राम द डिजीज़ एंड वट द आउटकम ऑफ द डिजीज़ यानी कि सबसे पहले कौन मरा उस किसको ही वो बीमारी कौन मरा उसका क्या आउटकम था आइडेंटिफाइंग सेंड्रोम देंड प्रिकर्सर यानी कि रिलेशनशिप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर टू स्ट्रोक यानी कि जहरी बात है जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो अक्सर स्ट्रोक हो जाता है सदमा लग जाता है और जिस तरह कहते हैं हार्ट अटैक टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर हेल्थ पब्लिक पॉलिसी ये इसके मेजर पर्पस थे कि यानी कि डिजीज़ को शुरू से लेके एंड तक डिजीज़ को भी और पापुलेशन को भी कि वो डिजीज़ शुरू से एंड तक क्या चीज़ है और पापुलेशन में उसने शुरू से लेके एंड तक क्या असर मरतब किए ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़